जहाँ पर मेरी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में जब मुझे जब पता चला, मैंने सीएम साहब से बताया कि हम लोग सत्य में जो थे, कि जो हमारी टीम है सत्यावर में, पानी के सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए, और हमारी ये सोच है, तो सीएम साहब बहुत एक्साइट हुए। और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर चुके हैं, कई महीने हो गए उसको, जल युग शिवार। और उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया, हम लोग अलग से मिले और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने देखा कि देवेंद्र जी के दिल में, जो हमारे सीएम हैं, इतना पैशन है इस एक मुद्दे के लिए, तो वो पैशन सीधा सत्य और मेरे में ट्रांसलेट हो गया, और हमको लगा कि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। और तभी हमको वो कॉन्फिडेंस भी आया कि हम इसमें आगे बढ़ें। और सीएम साहब की एक लाइन जो है वो मेरे माइंड में एकदम अटक गई। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाएं, लोक चळवळ बनाएं। और वो लाइन इतनी पावरफुल लाइन है मेरे हिसाब से। और सीएम साहब ने जो एकदम करेक्ट थॉट हम लोगों को डायरेक्शन दिया कि ये जब पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त बनेगा। कोई भी एक इंसान की ताकत की बात नहीं है, लेकिन हर एक महाराष्ट्र अगर इसमें अपना योगदान दे तो हमारा महाराष्ट्र जो है वो सूखा मुक्त हो सकता है। और वही एक बात पकड़ के हम लोगों ने कोशिश की है, हम आगे बढ़े हैं, इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाने की हमने कोशिश की है। और मुझे इतनी खुशी है कि हमारे साथ उद्योगपति जुड़े हैं, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, पीरामल जी की फाउंडेशन, HDFC की फाउंडेशन, बजाज की फाउंडेशन, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट, पूरा कॉन्फिडेंस हमको दिया है। उनके सपोर्ट से ही हम आगे इतना कुछ कर पाए, हमको भी कॉन्फिडेंस मिला है कि हम कर सकते हैं ये। हमारे साथ शांतिलाल मुट्ठा जी जुड़े हैं। कहाँ हैं शांतिलाल जी? हाँ, एकदम सामने बैठे। उनकी जैन, भारतीय जैन संगठन, संगठना का इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है।